हरे कृष्णा हर हर महादेव। चलो चलो ये जगह कैसे जाएंगे भाई। अब मैं कैसे जाऊं, एक मिनट भाई साहब। चलो छोड़ो, अरे अरे आगे। मैं हैं गंदा हो गया यार, सबका हाथ खराब हो गया। चलो गिर जाएगा भाई। ओ भाई ये बहुत टफ है बे। ओए आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रुको नहीं जाने मुझे ऐसे। अरे पकड़ो मुझे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आ जाओ आ जा, कम ऑन, यस। थोड़ी देर बाद स्वेटर निकालना पड़ेगा। अरे नहीं, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, गर्मी है, लग रहा है ना, बहुत गर्मी है। अब सर्दियों में भी गर्मी का एहसास हो रहा है, बट मुझे गर्मी नहीं लग रहा है। आई एम फीलिंग चिल्ड, यू नो, चिल्ड अंदर से, बहुत चिल्ड हूं मैं। वेलकम बैक टू अवर चैनल द वैकेशनर्स, और मेरा नाम है हिमाद्री सिंह, और अभी मैं फिलहाल जखामा विलेज में हूँ। हाँ, आपको पता नहीं होगा जखामा विलेज किधर है। जखामा विलेज ना ये नागालैंड में पड़ता है। आज हम ना जा रहे हैं नागालैंड का फेमस स्पॉट जिसका नाम है जुको वैली। अब सबको पता है जुको वैली कहाँ पर है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना आप लोगों को बताने के लिए। तो जुको वैली बेसिकली नागालैंड में पड़ता है, और ये बहुत फेमस है, ये इंडिया का बहुत फेमस स्पॉट है, क्योंकि यहाँ पे ना सीनिक व्यू बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, पूरा ग्रीन ही ग्रीन है। तो अगर आप लोग ने नहीं सुना है, नहीं देखा है, तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं आप लोगों को लेके जाऊँगा, पूरा ट्रैक पूरा ट्रिप मैं आपको दिखाऊँगा जुको वैली। ओके, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। और मुझे अगर इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर देना, मेरा चैनल है इंस्टाग्राम में हिमाद्री _2020। ओके, और फेसबुक में मेरा पेज है द वैकेशनर्स और हिमाद्रीज गुड लाइफ, तो कर सकते हो जाके, ठीक है। और इस ब्लॉग को पूरा देखना, मज़ा आने वाला है सच में, क्योंकि हम खुद मज़े करने वाले हैं, तो आप लोग भी मेरे साथ मज़े करने वाले हो, ठीक है। और जुको वैली के बारे में और भी मैं डिटेल्स ऑन द वे में बताता रहूँगा, ठीक है। तो साथ में बने रहिएगा और ये ब्लॉग को पूरा एंजॉय कीजिएगा। ओके, सी यू ऑन द वे टू जुको वैली, बाय। ब्रेकफास्ट बन रहा है। Hey guys, so meet the owner of this cottage. Hi, say hi to my friends. Hello. हाँ, तो आपका नाम क्या, मैंने पूछा। रोवी। रोवी जी ने ना कल रात से हम लोग को इतने इतने टेस्टी खाना वो प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब इन दोनों मिलके, मतलब आपकी मम्मी है
My sister. अच्छा आपकी sister. Sorry, extremely sorry. Okay. I was thought. Happy. Okay. मतलब ये ना ये cottage है ना ये दोनों मतलब sisters चला रहे मतलब बहुत मजे से chill करके चला रहे बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे आने के बाद तो मतलब आप लोग भी कभी भी आगे Zuko Valley trip करने के लिए आओगे ना तो आप लोग जरूर इसी होम स्टे पे रुकना ठीक है मतलब हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छा है यहाँ पे ओके सो आई रिकमेंड इट टू यू ऑल ऑफ यू कम दिस कॉटेज आई विल गिव यू द एड्रेस एंड फोन नंबर ऑन माय डिस्क्रिप्शन ओके चेक इट आउट ठीक है ना से टू माय फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब माय चैनल Do subscribe this channel and share it out. Don't homestay with your friends. Thank you. Thank you so much. Guys, see you on the way. Let's go. अभी क्या है ना अभी ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है ब्रेकफास्ट करेंगे ब्रेकफास्ट करने के बाद फटाफट से हम लोग निकल जाएंगे ओके दीदी क्या बना रहे हो व्हाट आर यू मेकिंग फ्राइड राइस सो गाइस फ्राइड राइस बन रहा है सी लुक एट दिस देखने में तो बहुत यम्मी लग रहा है बहुत टेस्टी होने वाला है वाओ हम लोग क्या वो पैकिंग करके लेके जाएंगे उधर अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे ओके ओके सो इसका मतलब हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और लंच के लिए अभी पैकिंग चल रहा है सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे लंच की पैकिंग तैयारी हो रही है ओके गाइस सो हम ऑन द वे लंच कर लेंगे ठीक है चलो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं सो गाइस आज ब्रेकफास्ट में है देख सकते हो ये ब्रेड है ये छोले हैं और ये है पैनकेक तो चलो लेते एक एक करके गाइस नाउ इट्स ब्रेकफास्ट टाइम जर्नी शुरू होते हैं अब लुक एट मी देखो कैसे बैठा हूँ तीन औरतों के बीच कल आया था तो इतना मोटा नहीं लग रहा था अब सब ने ना ऐसे जैकेट वगैरह पहन के अब लग रहा है कि सब मोटे हो गए अब जगह भी नहीं हो रही इधर देखो कोई ना चलो निकलते हैं अरे यार अभी बुरा लग रहा है यार थोड़ी देर पहले धूप था अभी बारिश आ गया हाँ लेट्स गो एंट्री काउंटर होता है मतलब यहाँ पे आपको एंट्री करना पड़ता है कि कितने गाड़ी जा रहा है कितना गाड़ी नहीं वहाँ पे ऐसे काउंटर लगा रहता है बारिश आ गया लोग यहाँ पे एंट्री हो रहा है ठीक है क्योंकि यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं ना सबका एंट्री होता है यहाँ पे है कि नहीं भैया हाँ चलो बारिश हो रहा है भाई भयंकर से हाँ हम कौन से रूट से जाएंगे स्ट्रेट रूट से जाएंगे ओके स्ट्रेट ना कितना दूर जाएगा अच्छा अच्छा गाड़ी से जाएगा ना अच्छा तो यहाँ पे लिखा है डूज एंड डोंट फॉर Zuko ट्रैकर्स आप पॉज करके पढ़ लेना क्या है ठीक है देख लो प्लास्टिक फ्री जोन जादू थी ना वो पोटेटो वाली काम आ गया रुक नहीं अभी क्लाउड के बीच में जा रहे हैं हाँ फिर जा रहे रहने दो भाई फिर भी देखो यार क्या नजारा है भाई साहब भाई साहब कहाँ से आए आप जासाम से असम से हाँ असम
असम से बंगाली हो क्या? नहीं नहीं असमीस। अच्छा ओके, कहाँ से? असम बरपट्टा। अच्छा मैं सिलचर से, ये भी सिलचर, बाकी दोनों ये चारों है ना वो जोरहाट से, डिब्रूगढ़ से। अच्छा आज बिहू डांस करेंगे। बिहू डांस करेंगे। सो गाइज हमारे आसाम से और तीन भाई मिल गए यहाँ पे। भाई आपका नाम? दीपज्योति। दीपज्योति आप? प्रीतम। प्रीतम दीप, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू। ओके सो गाइज हम सब मिलके ऊपर व्यू डांस करेंगे, बहुत चिल करेंगे, एकदम एकदम। ओके ओके गाइस, सो सी यू। ओके चलते चलते साथ में चलेंगे। हाँ साथ में चलेंगे, श्योर श्योर। ओके गाइस चलो अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हाँ सो गाइस लुक एट दिस व्यू, वो पूरा क्लाउड से ढक चुका है। ओएमजी इट्स फीलिंग ऑसम, ऐसा लग रहा है कि हम लोग विंटर ट्रैक कर रहे हैं, इज़न्ट इट? है कि नहीं? सबका हालत देखो, ठंडे ऊपर से मैं देखो। ओ भाई साहब, ओ भाई, शुरू होता है फर्स्ट ट्रैक यहीं से। जय माता दी, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। ओके सो गाइस चलते हैं, अभी देखो अभी यहाँ का नजारा। ओके लेट्स गो गाइस, कम ऑन, कम कम। फर्स्ट ट्रैक स्टार्ट हो गया। चलो गाइस, कैसे जाना पड़ता है। वाओ वाओ इट्स अमेजिंग। वी डोंट वांट पीस, इट्स नॉट इजी ट्रैक। हां और 800 मीटर्स तो है अभी भी। ओके एग्जैक्टली। सो गाइज एक्चुअली जस्ट हम लोग ने 200 मीटर ट्रैकर के ऊपर आए हैं, अभी भी हम लोग को 800 मीटर्स ऐसे ट्रैक करके जाना है। वाह अरे मज़े की बात क्या है पता है, अभी ना बारिश बंद हो गया। अच्छा लगा नहीं तो, अगर बारिश होता ना और स्लीपर है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ रास्ता कैसा है। ये देखो पत्थर के बीच से जाना पड़ता है ना, अगर बारिश होता ना तो ये स्लीपर हो जाता। देखो सो गाइज चलो जाते हैं ऊपर। हाँ एक्चुअली बहुत स्टीफ है ऐसे, कोई बात नहीं, इससे तो टफ ट्रैक कर चुका है ना, सो ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलो लेट्स गो। ऑफ रोडिंग हाय ऑफ जंगल राउंड। लेट्स गो, जाओ। थोड़ी देर बाद स्वेटर निकालना पड़ेगा। अरे नहीं बहुत गर्मी लग रहा है ना, बहुत गर्मी है, अब सर्दियों में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। बट मुझे गर्मी नहीं लग रहा है, आई एम फीलिंग चिल्ड, यू नो चिल्ड, अंदर से बहुत चिल्ड हूँ मैं। ओहो लुक एट देम। अरे चलो गाइस चलो, आराम से चलो। दिस इज कॉल्ड एडवेंचरस ट्रैक, इजंट इट गाइस? यस इट इज। देखो इससे मतलब ऐसे स्टीफ है रास्ता, ये देखो गाइस वो जा रहे, देखो मैं वो दिखा, ये देखो गाइस सब जा रहे उधर, हम लोग को उधर भी जाना है। गाइस हम लोग ने 9 बजे स्टार्ट किया ट्रैकिंग, हम 9:33 हो चुका है। हाँ 400 हो गया, 400 मीटर यहाँ पे है, देखो लिखा है 400 मीटर। ओ गया, ओ वाओ दैट्स ग्रेट। 600 मोर,
ओके धीरे धीरे पकड़ो पकड़ो। हाँ अब मैं जा रहा हूँ। हाँ ओ भाई ये बहुत टफ है बे। ओए पकड़ो 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 ये टफ है बहुत। पहले पहले तुम आ जाओ एक एक करके आ जाओ एक एक। मैं रोको अरे आओ ना। हाँ हाँ धीरे धीरे आ जाओ। हाँ चलो आ जाओ जाओ कम ऑन। ओके नेक्स्ट योर टर्न। तुम जाओ पकड़ो ऐसे 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 पकड़ो ऐसे पकड़ो बस आ जाओ कम ऑन। यस आ जाओ जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ आ जाओ तुम आ जाओ। चलो मुझे पकड़ो ऐसे 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 पकड़ो ऐसे पकड़ो मुझे पकड़ो। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रुको नहीं जाने मुझे ऐसे। अरे पकड़ो अरे पकड़ो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा आ जाओ आ जाओ कम ऑन। यस वो कर लिया। ओह माय गॉड ओ भाई इधर कैसे जाना है जैसे जाना है। ओए चलो सुनंदा रुको मैं पहले जाऊंगा ना तो क्या ना मैं देखूंगा। हाँ साइला की सेब लुक एट दिस ट्रेल बहुत खड़ी है यार बहुत खड़ी है ये ट्रेल यार कैसे जाना है। ओह फिर भी जाना है। अभी हम लोग एप्रोक्स और 200 आ गए जैसे 400 और 200 600 600 प्लस 200 800 हो। बहुत स्टीफ है भाई बहुत स्टीफ है थोड़ा तो गर्मी लग रहा है मुझे पसीना आ रहा है। एक्चुअली बात ही है ना यहाँ का जो वेदर है ना टॉप क्लास वेदर है। जैसे मैं एक्सपेक्टेशन करके आया था ना ऐसे ही मिल गया। ऐसे डेन फॉरेस्ट के अंदर ऐसे ट्रैक करके जाना मतलब आई एम सो लकी कि मैं कर पा रहा हूँ। आई एम सो लकी कि ऐसे अच्छे ग्रुप मुझे मिल गए अच्छे ऐसे अच्छे दोस्त भी मिल गए बहुत सपोर्टिव है बहुत इनक्रेज करते हैं। हाँ हाँ सही बात है। हाँ हाँ सो एग्जैक्टली सो चलो ऊपर जाते हैं। हो गाइस ये तो बहुत स्टीप है जाएंगे कैसे। और कौन से रूट से तुम लोग आए इसी रूट से या उसी रूट से। इसी रूट से गाइस इट्स अमेजिंग ट्रैकिंग बहुत ही एडवेंचरस है भाई बहुत ही एडवेंचरस है। ओ भाई पीछे कुछ ओ भी उड़ 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 बड़ा उई पुर पीछे कुछ गया भाई। आफ्टर 800 मीटर ट्रैक करके बाद हम लोग को यहाँ पे एक सिटिंग स्पॉट मिला जहाँ पे हम लोग जो ट्रैकिंग करके आते हैं ना उनके लिए बनाया गया है रेस्ट करने के लिए। लेकिन एक गंदी चीज़ ना वो अच्छा नहीं लगा। क्या है मैं दिखा रहा हूँ सी प्लास्टिक बॉटल चीज़ें क्या यार इतने अच्छे नेचर को क्यों खराब कर रहे हो प्लास्टिक से। अगर आप लोग को पानी पीना पानी का बॉटल लाना तो एक साथ में कैरी बैग भी लाना है ना ताकि आप लोग वो प्लास्टिक बॉटल जो भी आप कैरी कर रहे हो उसको साथ में लेके जाके बाहर डस्टबिन में फेंकना है। क्यों इतने अच्छे जगह को खराब कर रहे हो है कि नहीं। गाइस प्लीज़ नेक्स्ट टाइम को जो भी मेरे ब्लॉग देख रहे हो ना प्लीज़ अगर आप लोग प्लास्टिक कैरी कर रहे हो ना साथ में एक कैरी बैग भी साथ में लेके आना क्योंकि ऐसे प्लास्टिक होने से ना तो कितना गंदा लग रहा है ठीक। ओके तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं सब मिलके ठीक है फिर स्टार्ट करेंगे ट्रैकिंग। मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट हम लोग कैसे जाएंगे। इधर से जाएंगे। सो गाइज यहीं से शुरू होता है जुको
देख सकते हो चारों ओर क्लाउड से ढक चुका है. इट्स लुकिंग अमेजिंग. वाह, वेलकम टू ज़ुको. जस्ट लुक एट द व्यू गाइस, कम ऑन. वाओ, हंसा का मजा. जहां से जहां तक दिखाई दे रहा, जहां तक आंखें जा रहे हैं ना, वहां तक पहाड़ ही पहाड़ है, ग्रीनरी है और साथ में कोहरा ही है. क्लाउड्स. हम लोग ना इसी रास्ते से होके, इसी ट्रेल से होके ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो ट्रेल दिखाई दे रहा है ना, इसी से होके हम लोग जाएंगे. बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है ये जगह. बहुत तेजी से हवा दे रहा है यहाँ पे गाइस. जिंदगी में एक बार ना ज़ुको में आना, क्या बताओ. Amazing. ऐसे ठंड कपड़ा लेके आना, ठीक है. स्पेशली वुलन क्लॉथ्स और ऐसे इनर वेयर ये सब लेके आना, ठीक है, क्योंकि बहुत ठंड है और बहुत तेज हवा दे रहा है. मैं तो एक चीज भूल के आ गया, मेरे कैप लाना भूल गया था. अब क्या करे, आ गए तो आ गए, आप लोग ये भूलना मत, ठीक है. जब आओगे ना ये सब कैरी करके लाना है. तो बाकी डिटेल्स मैं बता दूंगा क्या क्या चीज़ चाहिए. तो अभी फिलहाल मैं एक चीज पहन रहा हूँ. देखो मेरा हालत, ठीक है गाइस. चलो अभी हम लंच कर लेंगे, लंच करने के बाद फिर ट्रैक स्टार्ट करेंगे. सी यू ऑन द वे, बाय बाय. बहुत भयंकर से बारिश आ गया यहाँ पे. अब देख सकते हो हम लोग सबने रेनकोट पहन चुके हैं और इसी ट्रेल से हम लोग जाएंगे नीचे, ठीक है. तो चलो, हर एक चीज एक्सपीरियंस ले रहे. बहुत ठंड है यार इधर, मेरा हाथ फ्रीजिंग हो चुका है. मतलब मेरे बात भी करनी पड़ा प्रॉपरली, बस इतना भयंकर बारिश हो रहा है. मैं गिरते बचा या वहाँ पे, इतना स्लिपरी हो चुका है अभी. क्या व्यू है गाइस. ज़ुको में कभी भी वेदर बदल सकता है, कभी धूप कभी बारिश. तो इसीलिए हम लोग ने रेनकोट कैरी किया है. आप लोग भी रेनकोट कैरी करना और गर्म कपड़े भी साथ में कैरी करना, क्योंकि वहाँ पे बारिश होने के बाद इतने जल्दी से टेम्परेचर लो हो जाता है कि आप लोग वहाँ पे सर्वाइव कर नहीं पाओगे. इतना ठंडा होता है वहाँ पे, जैसे फिलहाल हम लोग फील कर रहे हैं. इतना ठंडा है कि मैं अच्छी तरह से कैमरा भी पकड़ नहीं पा रहा हूँ, पूरा हाथ बर्फ़ से जम गया है. तो वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए आप लोग को गर्म कपड़े चाहिए और साथ में आप लोग जितना हो सके उतना सॉक्स कैरी करना और दो शूज़, नहीं तो एक चप्पल कैरी करना. दो शूज़ मैंने इसलिए बोला कि अगर जब ट्रैक करोगे उसी टाइम अगर बारिश हो गया तो ये शूज़ भीग जाएगा. तो इस एक शूज़ को लेके रात को सर्वाइव करने में दिक्कत होगा, पूरा ठंड हो जाएगा. तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा शूज़ लाना, नहीं तो एक चप्पल कैरी करना. बारिश में ट्रैक करना मतलब बहुत ही प्रॉब्लम होता है, ये रास्ता बहुत गीला हो जाता है, पूरा चप्पल जूता खराब हो जाता है. सो फाइनली 9 किलोमीटर और 6 घंटे ट्रैक करने के बाद हम लोग ज़ुको वैली में एंट्री कर चुके हैं और यहीं पे हम लोग आज रात रुकने वाले हैं. वैसे तो वेदर बहुत ही खराब हो चुका है, बहुत ही तेज़ बारिश हो रहा है यहाँ पे, टेम्परेचर बहुत ही लो हो चुका है यहाँ पे, शायद 6 या 7 डिग्री होगा यहाँ पे टेम्परेचर. और हमारा कपड़ा पूरी तरह से भीग चुके हैं, जूते भी भीग चुके हैं. तो अभी हम लोग जाएंगे अंदर, फ्रेश होंगे और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा पूरा ज़ुको वैली. और बाकी का पार्ट जो है वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में कवर करने की कोशिश करूँगा. तो टिल देन गाइज, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और कमेंट में बताना कैसा लगा, ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.